अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज एक एहतजाज की कॉल दी है और ये एहतजाज आज रात 7 बजे लिबर्टी चौक में किया जाएगा और ये एहतजाज उन लोगों के खिलाफ किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर नोटों के मुँह खोल दिए हैं। पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने के लिए जरदारी साहब, जो कि हॉर्स ट्रेडिंग के जो है बादशाह हैं, जब भी हॉर्स ट्रेडिंग का धब्बा आता है, जब भी नाम आता है, तो वहाँ पर सबसे पहले जरदारी का नाम आता है। इस जरदारी के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है इमरान खान साहब ने आज एक एहतजाज की कॉल दी है और ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान की अवाम, लाहौर की अवाम भरपूर शिरकत करें ताकि इनको ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान की गयूर अवाम जो है वो इस काम से कितनी नफरत करती है। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मची है और जरदारी टोला जो है वो एक बार फिर मुतहरिक हुआ है वोट खरीदने के लिए और अब की बार ये कहा जा रहा है कि पिछली बार तो कीमत लगाई थी 20 करोड़ 25 करोड़, लेकिन अब की बार जो कीमत लगा रहे हैं वो 1 अरब तक लगा रहे हैं। यानी कि जो पीटीआई के एमपीएस को ऑफर्स की जा रही हैं कि वो रिजाइन दे दें, वो इस्तीफे दे दें, वो वोट ही ना डालें, वो जो हमारे इलेक्शंस होंगे, जब जब ये फैसला होगा कि पंजाब के अंदर वज़ीरे आला कौन होगा, वो उन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ही ना लें, रिजाइन दे दें। और यही मंसूबा था इन लोगों का कि अगर हम इलेक्शंस के अंदर नहीं जीते तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से वो ऐसे 8-10 आदमी उठाएंगे जो कि इस्तीफे दे के साइड भी हो जाएंगे और कोई ना कोई उसकी वजूहत बना लेंगे, उसकी कोई ना कोई वजह बना लेंगे कि हमें पार्टी से इख्तलाफ था, हमें पार्टी के नज़रिए से इख्तलाफ था, और इनके मुंह बंद कर देंगे नोटों के जरिए और ये साइड पे हो जाएंगे। इसी के खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लाहौर में एक कॉल दी है कि आज लाहौर में 7 बजे लिबर्टी चौक में एहतजाज किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बांध।